बाद हक शुरू होता है या शादी से पहले? माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शादी के बाद, और बात भी सही है, अरे जहाँ बच्चे का कोई इम्कान ही नहीं है तो वो शादी के बाद ही तो होता है, शादी से पहले सोच के क्या करेंगे। यही है हमारी सबसे बड़ी गलती। आप मुझे पागल तो नहीं समझ रहे? बिल्कुल सही कह रहा हूं, यही है हमारी सबसे बड़ी गलती। बच्चे का हक शादी से पहले शुरू होता है। आप पूछेंगे कैसे मौली साहब? हजरत उमर ने भी यही कहा। कैसे पता है? अपने शरीक हयात को, अपनी बीवी को पहले नेक औरत ये ढूंढना शुरू करना। हाँ, नेक सालेह औरत से शादी करना। मेरी औलाद की परवरिश मेरी बीवी करने वाली है। बीवी सही आ गई, मसले खत्म, घर जन्नत। बीवी आ गई वो जिसके अंदर तरबियत का फुकदान हो, सही नहीं है तो याद रखो घर जहन्नम। सर मार के फोड़ लेता, काई को आया कि जी मैं बाहर ही चलता तो अच्छा था, आ गया तो शुरू हो जाता। हाँ शुरू होगा, क्यों? तू इंतखाब में सही नहीं, इंतखाब में दीन नहीं देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मताउ, कुल दुनिया मता है, बरतने की चीज है, इस्तेमाल करने की चीज है। वो खैरु मताउ दुनिया अल मरअतु सालिहा, पूरी कायनात के अंदर कीमती तरीन चीज कोई है तो वो नेक बीवी है। जिसको मिल गई उसके मसले खत्म, जिसको ना मिली उसके मसले ही मसले। सबसे पहले शादी के लिए नौजवान सोचना शुरू करता है तो हमारी क्या थॉट बनी हुई है? इंजीनियर लड़की, गोरी हो, स्लिम हो, फला हो, अला अला नहीं, कहो के हाफिजा हो, आलिमा हो, दीनदार हो, अल्लाह की इताअत करने वाली हो, क़िराअत बेहतरीन पढ़ने वाली हो। ये शुरू तक हम तो करते हैं कि काम करने वाली हो, गोरी हो। ये तो क्या 90% नौजवानों का वजीफा है। कैसी बीवी हो? गोरी हो तो काले सब कहाँ जाए? आसमान में उड़ जाए या जमीन में दफन हो जाए? सब गोरी ही के पीछे जाए। अरे ये तो जिद में हक्का क्या है? असल चीज तो सीरत है, सूरत नहीं है। इन्नल्लाह ला यंदुरु इला सूरिकुम वला इला अलवानिकुम वलाकिन यंदुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे रंगों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे कुलूब और तुम्हारे अमाल को देखता है। तो पहला हक ये कि शौहर तलाश करे बीवी ने, और बीवी बनने वाली तलाश करे शौहर ने। हमारे औरतें भी अजीब है, अमिताभ बच्चन जैसा ऊंचा हो, स्लिम हो, स्मार्ट हो, इतनी बड़ी नौकरी में हो, मैनेजर हो, क्या होगा? उसे तुम्हारा घर बन जाएगा? कितने मैनेजर आए घरों को ले जाके गैस फट के मर गई, गैस नहीं पड़ा, इसने फोड़ के मार दिया। कितने घरों में बहुओं को जला देते, कितने घरों में बहुओं को नाश्ता नहीं मिलता सही से, हालांकि बड़े बड़े पैसे वाले घर है, अजियत देना मकसूद है। तो याद रखो, दीनदार शौहर ही को पता है बीवी का हक क्या होता है। तो औरतों को भी चाहिए कि वो खाह काला हो, खाह कम पढ़ा लिखा हो, अगर उसके अंदर दीनदारी है, ईमान है, अल्लाह से डरने वाला है, शादी कर लो, उससे अल्लाह जो कुछ जिंदगी देगा वो इतनी बेहतरीन देगा कि आप तसव्वुर नहीं।